हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अगर आप लोग सीयूटी पीजी एंट्रेंस की तैयारी करें तो आप चाहो तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पे आप लोगों को सीयूटी रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, तो ग्रुप को एक बार जरूर चेक कीजिएगा। तो देखिए, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो हमारा सीरीज चल रहा है सीयूटी पीजी एंट्रेंस प्रिपरेशन के लिए, उसके अंडर में जो यूनिट 7 प्लांट साइंस है उसके टॉपिक फोटोसिंथेसिस के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू और उसके आंसर को बहुत ही इजी वे में एक्सप्लेन करने वाले हैं। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, खास करके जो अभी अपेयर होने जा रहे हैं उनके साथ तो जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मैं बता दूँ आपके लिए, ऑलरेडी मैं मिशन सीयूटी जो अभी हमारा ये फिलहाल प्लेलिस्ट चल रहा है, जो सीरीज चल रहा है मिशन सीयूटी के नाम से, आप लोग अगर चैनल में जाएंगे तो एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है जहाँ पे आप लोगों को सारे वीडियो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली मिल जाएंगे। इसका लिंक मैं यहाँ पे आई बटन पे दे दे रहा हूँ, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप लोग चैनल में जाएंगे तो आपको और भी ढेर सारे लाइफ साइंस रिलेटेड टॉपिक्स के एमसीक्यूज कॉन्सेप्ट वीडियोज मिल जाएंगे। उसको मैं सजेस्ट भी करूँगा, जितना हो सके एंट्रेंस से पहले पहले प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, फोटोसिंथेसिस आज जो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इसके जो क्वेश्चन है मिक्स टाइप क्वेश्चन रहेंगे, मतलब बहुत ईजी नहीं रहेंगे क्योंकि एंट्रेंस लेवल आप लोगों को देना है, पीजी एंट्रेंस लेवल क्वेश्चन आप लोगों को थोड़ा सा फेस करना होगा। इसलिए मैं कम क्वेश्चन रखा हूँ इजी वाले, और थोड़ा सा एडवांस मीडियम क्वेश्चन रखा हूँ, ठीक है, मीडियम हार्ड थोड़ा क्वेश्चन ज़्यादा रखा हूँ। इस तरह का क्वेश्चन नहीं कि C3 में फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट कौन है, C4 में कौन है, कैम प्लांट कहाँ पे है, कैम प्लांट का एग्जाम्पल कौन कौन है, वो सब नहीं, ठीक है। वो सब आप लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, थोड़ा सा सिलेबस देख लेते हैं। ये है आपका ऑफिशियल सिलेबस, हमने यूनिट 1 ये जो सीरीज का मैंने बताया मिशन सीओटी, वहाँ पे यूनिट 1, 2, 3, 4, 5, 6 को अभी थोड़ा सा होल्ड रखें क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियोस हैं चैनल में, और 5 आपका 7 का अभी चल रहा है फोटोसिंथेसिस, उसके बाद बाकी सारे कंप्लीट होने के बाद एनिमल साइंस, इस तरह से हमारा सीरीज रन होता जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहले तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ फोटोसिंथेसिस के लिए। देखिए, फोटोसिंथेसिस एक ऐसा एग्जांपल है। फोटोसिंथेसिस, फोटो का मतलब है लाइट, आप लोग जानते हैं लाइट, जिसको फोटोन के टर्म्स आया है, और सिंथेसिस का मतलब है लाइट डिपेंडेंट किसी चीज़ का बनना, किसका, आपका फूड कह सकते हैं। फूड में आप लोगों का ग्लूकोज समझ लीजिए क्योंकि प्राइमरी ग्लूकोज, या फिर इसको हेक्सोज शुगर कह सकते हैं, ठीक है, हेक्सोज शुगर बनता है, ठीक है। बाकी इंटर कन्वर्टेबल ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ये सब होते हैं, इसलिए मैंने हेक्सो शुगर यानी 6 कार्बन शुगर बनता है। अब यहाँ पे जो पूरा होल फोटोसिंथेसिस को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक होगा लाइट रिएक्शन फेज, ठीक है, राइट रिएक्शन, दूसरा होगा डार्क रिएक्शन, ठीक है। डार्क रिएक्शन इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब अंधेरे में होगा, नहीं, ये डार्क रिएक्शन का ये मतलब है कि इसको लाइट नहीं चाहिए, ये रिएक्शन करने के लिए लाइट का कोई डिपेंडेंसी नहीं चाहिए, ठीक है। बाकी लाइट रिएक्शन में तो फोटोन चाहिए, जो लाइट एनर्जी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो प्रोसेस होता है ना, लाइट रिएक्शन टू डार्क रिएक्शन को शिफ्ट होता है, यानी कि आपका जो सन है, सन में से आता है रेडिएंट एनर्जी और सोलर एनर्जी, तो यहाँ पर हम सोलर SE लिख दे रहे हैं। सोलर एनर्जी को प्लांट क्या करता है, रहा प्लांट, प्लांट को मैं बहुत ही शॉर्ट में समझा रहा हूं, प्लांट क्या करता है, उस एनर्जी को कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी C में, और केमिकल एनर्जी से वो बनाता है फूड, फूड और बायोसिंथेटिक और बायोकेमिकल फेज में एंटर करके वो बनाता है ऑर्गेनिक मैटर और ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाता है। यही जो साइकिल है पूरा आप लोगों का क्या है, फोटोसिंथेसिस। अगर रिएक्शन देखेंगे तो ये 6 CO2 लेता है, 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल लेता है, 12 वाटर मॉलिक्यूल लेता है, ठीक है। आप अगर बुक वगैरह में देखेंगे कहीं पे 6 वाटर, वो गलत है क्योंकि पूरा का पूरा जो ऑक्सीजन, देखिए पूरा पहले देख लीजिए, उसके बाद इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड आप लोगों का सनलाइट, तो ये बनाता है ग्लूकोज C6H12O6, उसके साथ 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल प्लस आप लोगों का 6 वाटर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ 12 वाटर क्यों सही है, क्योंकि देखिए 12 वाटर में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कितने, 12 है, यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन कितना आप लोगों का रिलीज हो रहा है, 6 × 2 = 12 है, तो यहाँ पे पूरा का पूरा जो ऑक्सीजन है ना, ये जो पूरा ऑक्सीजन है, ये पूरा का पूरा कहाँ से डिराइव हुआ रहता है, वाटर से, याद रखिए। इसलिए 12 वाटर होने पर ही आप लोगों को 6 ऑक्सीजन मिलेंगे, अगर यहाँ पे 6 वाटर कर देंगे तो आपको कभी भी 6 ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और साथ में आप लोगों का फोटोसिंथेसिस के लिए पिगमेंट बहुत ही नेसेसरी है, सो पिगमेंट सिस्टम PS1 एंड PS2, ये PS2 आपका ऑब्जर्व करता है 680 नैनोमीटर का लाइट, और ये ऑब्जर्व करता है 700 नैनोमीटर का लाइट, ठीक है, ये ऑब्जर्व करते हैं, और ये अरेंज हुए रहते हैं, ये PS1 PS2, आपका ये रहा थाइलाकोड, थाइलाकोड में इस तरह से अरेंज हुए रहते हैं, ठीक है, इस तरह से सरफेस में अरेंज हुए रहते हैं, और इसी तरह से वो जेड स्कीम करते हैं, साथ में आप लोगों का लाइट नॉन साइक्लिक रिएक्शन साइक्लिक रिएक्शन करते हैं। चलिए इतना ही, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेम द फिजियोकेमिकल प्रोसेस इन व्हिच केमिकल एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड बाय लाइट एनर्जी विद द हेल्प ऑफ ए फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, इनमें से कौन सा फिजियोलॉजिकल
फोटोकेमिकल प्रोसेस है जहाँ पे केमिकल एनर्जी लाइट एनर्जी से बनता है विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। फोटोसिंथेटिक रेस्पिरेशन, ऑक्सीडेटिव कार्बोक्सिलेशन या फिर आप लोगों का ऑक्सीडेटिव फॉस्फोर, ऑब्वियसली ये होगा हमारा फोटोसिंथेसिस। एक ईजी क्वेश्चन से हमने शुरू किया, तो हमने क्या देखा, क्या सीखा यहाँ से, फोटोसिंथेसिस में आपका क्या होता है, लाइट एनर्जी से क्या बनता है, केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी इन द सेंस आप एटीपी समझते हो या फिर एनएडीपीएच समझते हो, यही केमिकल एनर्जी बाद में आपका ग्लूकोज बनाएंगे, ऑर्गेनिक मैटर बनाएंगे, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर बनाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म आज ऑक्सीजेनिक और अनऑक्सीजेनिक ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज बेस्ड ऑन। तो ऑर्गेनिज्म को हम दो दो हिस्सों में बांटते हैं, एक होता है ऑक्सीजेनिक, दूसरा होता है अनऑक्सीजेनिक, यानी जो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, O2 रिलीज करते हैं, उनको कहा जाता है ऑक्सीजेनिक ऑर्गेनिज्म, और जो नहीं करते, नो ऑक्सीजन रिलीज, तो उनको हम क्या बोलते हैं, अनऑक्सीजेनिक कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म को हम क्लासीफाई करते हैं, तो इसको किस बेसिस पे, द प्रेजेंस ऑफ CO2, जनरेशन ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ लाइट, प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो उसका आंसर है जनरेशन ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है तो ऑक्सीजेनिक, अगर नहीं कर रहा है तो एनऑक्सीजेनिक। ऑक्सीजेनिक ज्यादातर कौन होते हैं, प्रोकैरियोट्स भी होते हैं, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स भी होते हैं, लेकिन एनऑक्सीजेनिक हमेशा प्रोकैरियोट्स होंगे, प्रोकैरियोट्स जो कि बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया जैसे कि ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ये सब होते हैं हमारे सिर्फ और सिर्फ एनऑक्सीजेनिक ऑर्गेनिज्म और बैक्टीरिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। लीजिए यहाँ पे पूछ दिया है अनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म इनमें से कौन सा है, तो प्लांट्स फोटोसिंथेटिक प्रोटीट्स, सियानोबैक्टीरिया, सियानोबैक्टीरिया को हम BGA के नाम से जानते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, एल्गी भी होते हैं सियानोफाइसी, ठीक है, ग्रीन एंड पर्पल फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, ये रहा हमारा राइट आंसर, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, इनको एक्चुअली में दे आर इंडिपेंडेंट, दे परफॉर्म लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, ठीक है, तो इनको लाइट का नेसेसिटी नहीं होता, सो एब्सेंस ऑफ लाइट में ये अपना रिएक्शन करते हैं, जिस वजह से इनको कोई लाइट के डिपेंडेंट नहीं होता, और यहाँ पे नो ऑक्सीजन, ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन भी रिलीज नहीं होता, इसलिए इनको अनऑक्सीजेनिक कहा जाता है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लिपिड सॉल्युबल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। इनमें से कौन सा ऐसा पिगमेंट है जो कि लिपिड सॉल्युबल नहीं है, फाइकोबिलिन्स, कैरोटीनॉइड्स, क्लोरोफिल, जैंथोफिल। तो देखिए एक लोता है हमारा कौन, फाइकोबिलिन्स, जो कि हमारा वाटर सॉल्युबल है, ठीक है, वाटर सॉल्युबल है, क्यों, क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल आपका एक प्रोटीन बियर करता है जिसका नाम है फाइकोबिली प्रोटीन। इस प्रोटीन का नेचर होता है हाइड्रोफिलिक, ठीक है, हाइड्रोफिलिक होता है, हाइड्रोफिलिक इन नेचर होता है, या फिर इसको कह सकते हैं वाटर सॉल्युबल होता है, जिस वजह से पूरा फाइकोबिलिन आपका वाटर सॉल्युबल पिगमेंट माना जाता है। बाकी जितने भी है कैरोटीनॉइड्स, क्लोरोफिल, जैंथोफिल, ये तीनों के तीनों हमारे लिपिड सॉल्युबल है, ठीक है, लिपिड सॉल्युबल होते हैं। और थोड़ा सा यहाँ पे पिगमेंट का क्लासिफिकेशन फाइकोबिलिन में आते हैं, फाइकोसियानिन, ये भी थोड़ा सा जान लीजिए, फाइकोसियानिन जो कि ब्लू कलर का है, ब्लू। उसके बाद फाइकोएरिथ्रीन जो कि है एरिथ्रीन यानी रेड, ठीक है, एरिथ्रीन यानी रेड कलर का। उसके बाद कैरोटीनॉइड में आप लोगों का क्या देखने को मिलेंगे, कैरोटीन जो कि आपका ऑरेंज येलो कलर का है, जो कि गाजर यानी आपका कैरोट में पाया जाता है, और एक है जैंथोफिल जो कि आप लोगों का वेरियस फ्लावर्स में ब्राइटली कलर प्रोवाइड करता है, और जैंथोफिल का कलर है येलो, ठीक है, येलो कलर प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे सभी के सभी हमारे क्या आएंगे, लिपिड सॉल्युबल, सिर्फ फाइकोबिलिन होगा वाटर सॉल्युबल, ठीक है, उसका याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट, व्हिच ऑफ दीज फीचर्स आर नॉट ऑफ क्लोरोफिल। इनमें से कौन सा फीचर क्लोरोफिल का नहीं है, इट हैज Mg2+ एज द सेंट्रल मेटल आयन, इट हैज साइक्लोपेंटानोन रिंग फ्यूज विद ए पायरोल रिंग, इट हैज ए प्लानर टेट्रा पायरोल रिंग स्ट्रक्चर, इट इज वाटर सॉल्युबल पिगमेंट। सो इसका राइट आंसर है ये नॉट क्लोरोफिल का फीचर नहीं है, कौन, वाटर सॉल्युबल। अभी थोड़ी देर पहले देखें कि क्लोरोफिल जो है पिगमेंट वो आपका वाटर सॉल्युबल नहीं है। तो क्लोरोफिल में क्लोरोफिल ABCDE, बैक्टेरियो क्लोरोफिल एंड बैक्टेरियो विरिडिन, ये सभी के सभी क्लोरोफिल के कैटेगरी में आते हैं और क्लासिफिकेशन में आते हैं बैक्टेरियो विरिडिन, ठीक है, और ये सभी के सभी वाटर सॉल्युबल नहीं होते, लिपिड सॉल्युबल। उसके बाद नेम द पिगमेंट व्हिच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द येलो कलर ऑफ लीव्स।
इन ऑटम एंड ऑरेंज कलर्स ऑफ ऑरेंज कलर ऑफ कैरेट। कैरेट का बोल दिया है मतलब मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था आप लोगों का, ये होगा आंसर कैरोटीनॉइड। ठीक है, कैरोटीनॉइड में आप लोगों को क्या देखने को, एक लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन का मिल जाएगा जो कि आप लोगों का 400 टू 500 नैनोमीटर को ऑब्जर्व करता है, अब यानी कि इसी के अंडर में रहता है इसका ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रम। ठीक है, याद रखिएगा। और यही है कैरोटीनॉइड पिगमेंट जो कि कैरेट्स में जो ऑरेंज कलर प्रोवाइड करता है और येलो कलर लीव्स में ऑटम सीजन में प्रोवाइड करता है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। नेम द मैकेनिज्म व्हिच प्रिवेंट्स फोटो ऑक्सीडेशन डैमेज इन प्लांट्स। सो फोटो ऑक्सीडेटिव डैमेज प्लांट्स में कौन सा मैकेनिज्म रोकता है, ठीक है, प्रिवेंट करता है, फोटोसिंथेसिस, फोटो रेस्पिरेशन, फोटो प्रोटेक्शन, फाइटो प्रोटेक्शन। सो इसका राइट आंसर है वो है फोटो प्रोटेक्शन। फोटो प्रोटेक्शन एक्चुअली कौन करता है जानते हैं, फोटो प्रोटेक्शन ये इसका आंसर हुआ, इसको एक्चुअली में जो प्रोटेक्ट करता है वो है कैरोटीनॉइड्स। ठीक है, और इसी मैकेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, फोटो प्रोटेक्शन। तो कैरोटीनॉइड्स जो पिगमेंट है ये एक एक्सेसरी पिगमेंट है जो कि प्लांट को बचाता है ऑक्सीडेटिव ऑक्सीडेटिव डैमेजेस से। ठीक है, याद रखिएगा। वो पिगमेंट का अगर पूछा जाए यहाँ पे तो आपका व्हिच प्रिवेंट फोटो ऑक्सीडेटिव डैमेज कौन सा है, फोटो प्रोटेक्शन, लेकिन कौन सा पिगमेंट बचाता है वो है कैरोटीनॉइड। ठीक है, सो ये कुछ लिपिड का कंपोनेंट होते हैं जो कि मतलब खुद डैमेज हो जाते हैं हाई लाइट इंटेंसिटी में, कैरोटीनॉइड उसको क्या करता है, एक्सेस जो एनर्जी होता है उसको कम करता है। ठीक है, कैरोटीनॉइड प्लांट में एक्सेस एनर्जी को कम करता है। ठीक है, तो उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट व्हिच इज स्ट्रक्चरली सिमिलर टू बाइल पिगमेंट ऑफ बिलीरुबिन। सो बिलीरुबिन आपका जो एनिमल में पाया जाता है, तो उसको यहाँ पे कौन सा ऐसा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है जो कि बिलीरुबिन के साथ सिमिलर स्ट्रक्चर दिखाता है, क्लोरोफिल, कैरोटीन, जैंथोफिल, फाइकोबिलिन। ऑब्वियसली नाम से आप लोगों को बिलिंग मालूम चल गया होगा, बिलिंस मतलब फाइकोबिलिन। ठीक है, सो फाइकोबिलिन क्या है, इसके पास एक्चुअली एक नॉन साइक्लिक टेट्रापायरोल रिंग होता है। ठीक है, टेट्रापायरोल एक लीनियर चेन होता है जो कि स्ट्रक्चरली सिमिलर किसके तरह होता है, बाइल पिगमेंट की तरह, बाइल पिगमेंट बिलीरुबिन की तरह। ठीक है, बिलीरुबिन की तरह, और ये एक यूनिक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है जो कि कोवैलेंटली बाउंड होता है वाटर सोल्यूबल प्रोटीन जिसका नाम है फाइकोबिली प्रोटीन। ठीक है, फाइकोबिली प्रोटीन के साथ कोवैलेंटली ये बाउंड होता है, और फाइकोबिली प्रोटीन मैंने पहले ही बता दिया ये एक वाटर सोल्यूबल पिगमेंट है जिस वजह से पूरा फाइकोबिलिन ही वाटर सोल्यूबल बन जाता है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द लोकेशन ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स इन एन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। सो ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म में आपका जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है वो कहाँ पे पाया जाता है या फिर लोकेटेड होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, थाइलाकोइड मेम्ब्रेन, क्रोमाटोफोर्स या फिर क्लोरोसोम। तो इसका राइट आंसर है वो पाया जाता है थाइलाकोइड मेम्ब्रेन में। मैं पहले ही बता दिया था ये रहा थाइलाकोइड मेम्ब्रेन, ये उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसी के सरफेस में आप लोगों को यही सब पिगमेंट जो कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं वो सभी के सभी पाए जाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसी में आप लोगों को देखने को मिल जाता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रम। एक होता है आप लोगों का ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रम और होता है एक्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है, एक्शन स्पेक्ट्रम, इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि जहाँ पे ऑब्जर्वेशन ज़्यादा होगा वहाँ पे आपको एक्शन देखने को मिलेगा। तो अगर आप लोग विजिबल रेंज देखे होंगे भीप गियर में आप लोगों को दो रीजन ब्लू और रेड रीजन में पीक देखने को मिलता है पीक। ठीक है, बाकी इस तरह होगा, ये जो दो पीक है ना यहाँ पे ये डिनोट करता है कि यहाँ पे ज़्यादा एक्शन हुआ है, यानी ज़्यादा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस यहाँ पे हुआ है। ठीक है, जिसको एंगलमैन ने एक्सपेरिमेंट वाइज प्रूव किया था। उसके बाद तो यहाँ पे व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रम, द ग्राफ प्रोड्यूस बाय ऑब्जर्वेशन ऑफ लाइट, द ग्राफ शोज द फोटोकेमिकल रिएक्शन, द ग्राफ प्रोड्यूस बाय ऑब्जर्वेशन ऑफ ऑक्सीजन, द ग्राफ शोज ऑक्सीजन इवोल्यूशन एट ए डिफरेंट वेवलेंथ। तो देखिए यहाँ पे ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रम मतलब किसका ऑब्जर्वेशन बोला जा रहा है, लाइट का ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ऑब्जर्वेशन ऑफ लाइट, ना कि ऑक्सीजन इवोल्यूशन को डिनोट करा है। ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रम का मतलब है लाइट का ऑब्जर्वेशन को ये ग्राफ में दो पीक दिखाता है। ठीक है, एक ब्लू रीजन में एक रेड रीजन में, उसी रीजन में आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्शन भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और यहाँ पे अगर भीप गियर के बाद फार रेड, इंफ्रा रेड या फिर उस तरफ जाएंगे तो पूरा फोटोसिंथेसिस रेट ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फोटोसिंथेटिक रिएक्शन इन एन ऑक्सीजनिक पिगमेंट
ऑक्सीजन ही फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म इज परफॉर्म बाय पिगमेंट। सो जो फोटोसिंथेटिक रिएक्शन है ऑक्सीजन ही फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म में कौन परफॉर्म करता है, कौन सा पिगमेंट? क्लोरोफिल बी, ए बैक्टेरियल क्लोरोफिल ए, बैक्टेरियल क्लोरोफिल सी। बहुत ईजी है, वो है क्लोरोफिल ए, जिसको आप लोग जानते हो रिएक्शन सेंटर के नाम से। ठीक है, रिएक्शन सेंटर बोला जाता है। देखिए यूजुअली ये रहता रहता है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए को घेरे हुए रहते हैं एक्सेसरी पिगमेंट, वही सब क्लोरोफिल बी, आपका कैरोटिनोइड या आपका फियोफाइटिन, ये सभी के सभी आप लोग घेरे हुए रहते हैं। फियोफाइटिन नहीं, मतलब ये आपका फाइकोबिलिन्स, ये सब घेरे हुए रहते हैं। सब एक्साइटेड होके वो अपने आसपास के जो एडजेसेंट पिगमेंट है उनको अपना एनर्जी पास ऑन करते हैं धीरे 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 धीरे, हाई स्टेट से लो स्टेट को आके, और फाइनली वो अपना एनर्जी कहाँ को कहाँ पे प्रोवाइड करता है, इस रिएक्शन सेंटर जो कि है हमारा क्लोरोफिल ए। ठीक है, सो यहाँ पे क्लोरोफिल ए होगा राइट आंसर। नेम द फिलामेंटस फंगाई व्हिच आर यूज इन एंगलमैन एक्सपेरिमेंट टू शो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी। सो ये एक्चुअली आपका फंगाई नहीं होगा, ये होगा एल्गी। ठीक है, ये थोड़ा सा गलत लिखा है, फंगाई नहीं हो सकता। तो कौन सा एल्गी था जो कि एंगलमैन द्वारा फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी को प्रूव करने के लिए यूज किए थे? एंगलमैन, राइजोपोस्टोलन पर, ये फंगाई हो गया, ये फंगाई हो गया, सियाना बैक्टेरिया बीजे हो गया, स्पायरो गायरा हमारा एल्गी हो गया। तो उन्होंने एल्गी को यूज किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पायरो गायरा। ठीक है, याद रखिएगा क्वेश्चन में फंगाई लिखा है, फंगाई को उन्होंने नहीं यूज किया था, बिकॉज फंगाई आर अक्लोरोफिलस, वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। ठीक है, तो उन्होंने एल्गी को यूज किया था। सो ये जो एल्गी था वो था स्पायरो गायरा, उसमें उन्होंने क्या किया था, उसको एक्सपोज किया था, ये रहा स्पायरो गायरा का थ्रेड, उसको लाइट बीम में एक्सपोज किया था, तो वहाँ पे क्लस्टर हो गया था ब्लू रीजन और रेड रीजन में। उन्होंने पाया कि ज़्यादा से ज़्यादा इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन बबल ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड हो रहा है ब्लू रीजन और रेड रीजन में। ठीक है, उसके बाद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डिफाइंस द प्रोडक्शन ऑफ हीट एंड लाइट व्हेन एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल स्टेट। इनमें से कौन सा टर्म है जो कि प्रोडक्शन ऑफ हीट एंड लाइट को मतलब बताता है, कब? जब एक्साइटेड मॉलिक्यूल एक्साइट हो जाता है, और जब एक्साइटेड स्टेट से, यानी कि मान लीजिए ये उनका ग्राउंड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट से वो चले जाते हैं एक्साइटेड स्टेट में, तो ये एक्साइटेड स्टेट हो गया। वहाँ से जब वो वापस आते हैं तो वो क्या रिलीज करते हैं? हीट एंड लाइट। तो उस ये फेनोमेना को क्या कहते हैं? फ्लोरेसेंस, लुमिनेसेंस, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग या फिर फॉस्फोरेसेंस। तो इसका राइट आंसर है, उसे कहते हैं हम फ्लोरोसेंस। ठीक है, फ्लोरोसेंस कहते हैं। फ्लोरोसेंस क्या है? जब एक्स्ट्रा एनर्जी कन्वर्ट होता है, मतलब एक्स्ट्रा हाई स्टेट से लो स्टेट में रिटर्न करता है, तो एक्स्ट्रा एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाता है? हीट एंड लाइट में, उसको हम फ्लोरेसेंस कहते हैं। लुमिनेसेंस क्या है? लुमिनेसेंस एक तरह का रेडियो एक्टिव डीके है, रेडियो एक्टिव डीके है। ठीक है, रेडियो एक्टिव डीके। उसके बाद इंटर सिस्टम क्रॉसिंग क्या है? इंटर सिस्टम क्रॉसिंग ये है जहाँ पे सिंगलेट स्टेट से, मॉलिक्यूल का सिंगलेट स्टेट से वो कन्वर्ट होता है एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट में, ट्रिपलेट स्टेट में। ठीक है, और रहा फॉस्फोरेसेंस, फॉस्फोरेसेंस का मतलब होता है जहाँ पे लाइट एमिट करता है। ठीक है, लाइट एमिट करता है बाई ट्रिपलेट स्टेट से, ट्रिपलेट स्टेट से ग्राउंड स्टेट में जब ट्रांजिशन हो, ग्राउंड स्टेट में जब ट्रांजिशन हो, ये थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है, तो हीट एंड लाइट कहाँ पे मतलब प्रोड्यूस होते हैं? फ्लोरेसेंस में। लुमिनेसेंस हो गया हमारा रेडियो एक्टिव डीके। इंटर सिस्टम क्रॉसिंग में क्या होता है? सिंगल स्टेट से ट्रिपलेट स्टेट में कन्वर्ट होता है, और फॉस्फोरेसेंस में लाइट एमिट होता है व्हेन ट्रिपलेट स्टेट टू ग्राउंड स्टेट में पहुँचता है फॉर ट्रांजिशन जब होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज रिजोनेंस एनर्जी ट्रांसफोर्स? रिजोनेंस एनर्जी ट्रांसफोर्स क्या है? पहले तो जान लीजिए रिजोनेंस एनर्जी ट्रांसफोर्स को हम और एक नाम से जानते हैं, फोस्टर ट्रांसफर भी कह सकते हैं, फोस्टर ट्रांसफर भी कह सकते हैं। तो ये एक्चुअली में क्या है? द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द मोलिक्यूल, द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एज वेल एज इलेक्ट्रॉन, द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बॉट नॉट द एनर्जी, द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बॉट नॉट द इलेक्ट्रॉन। सो इसका राइट आंसर है ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बट नॉट द इलेक्ट्रॉन, याद रखिएगा, उसको हम रिजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर कहते हैं। जहाँ पे आप लोगों का एनर्जी तो ट्रांसफर होता है लेकिन आपका इलेक्ट्रॉन कहीं पे मूव नहीं होता। ठीक है, सो क्लोरोफिल जो भी एक्साइटेड होता है उसको एनर्जी मिलता है। ठीक है, उसको एनर्जी मिलता है बट नॉट द इलेक्ट्रॉन, बट नॉट द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन नहीं जाता।
सिर्फ और सिर्फ एनर्जी मिलता है, हाई स्टेट से लो स्टेट में जब जाता है तो वो एनर्जी प्रोवाइड करता है रिएक्शन सेंटर को। उसके बाद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हिल्स रिएजेंट, आपने हिल्स रिएक्शन देखा होगा, स्प्लिटिंग, वाटर स्प्लिटिंग, तो यहाँ पे बोला जा रहा है इनमें से कौन सा हिल्स रिएजेंट है। सुगर, क्लोरोफिल्स 2,6 डाइक्लोरोफिनोल फिनोल इंडोलफिनोल या फिर निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइनिक्लोटाइड फॉस्फेट NADP। सो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका हिल्स रिएजेंट में 2,6 डाइक्लोरोफिनोल इंडोफिनोल, उसको हम क्या कह सकते हैं, हिल्स रिएजेंट। ठीक है, तो ये क्या करता है, मतलब जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है वाटर टू कोई ऑक्सीडेंट के पास, मतलब वाटर से कोई ऑक्सीडेंट के पास जब आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है ऑक्सीडेंट के पास, तो ये क्या करता है ना, ये एक्चुअली में नॉन फिजियोलॉजिकल ऑक्सीडेंट, मतलब नॉन फिजियोलॉजिकल ऑक्सीडेंट की तरह काम करता है ये जो 2,6 डाइक्लोरोफिनोल इंडोफिनोल। ठीक है, सो ये एक नॉन फिजियोलॉजिकल ऑक्सीडेंट होता है जो कि आप लोगों का हिल्स रिएजेंट कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी फोटॉन्स आर एबल टू प्रोड्यूस 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। सो ये टोटल 8 फोटॉन्स है जो कि आपका एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन बनाता है, वो है राइट आंसर डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज रेड ड्रॉप फेनोमेनन। तो आपने पढ़ा होगा रेड ड्रॉप फेनोमेना, और एक पढ़ा होंगे रेड ड्रॉप एनहांसमेंट, इमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट पढ़े होंगे। ठीक है, तो रेड ड्रॉप क्या होता है मैं थोड़ा सा बता दूँ। आपने भीपगियर अभी देखा, और सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस कहाँ पे पाया जाता है, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस रेड रीजन में। अगर आपने रेड रीजन के बाद भी वेवलेंथ को बढ़ाया उसके बाद देखेंगे फार रेड आ जाएगा, और सडनली आपने देखेंगे फोटोसिंथेसिस जो पीक पॉइंट में था वो ड्रॉप हो जाएगा, इसी को रेड ड्रॉप कहते हैं। ठीक है, रेड ड्रॉप कहते हैं। तो एनहांसमेंट, इमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट क्या है कि आप अगर दो दो जब दो वेवलेंथ को साथ में मिलाकर देते हैं तो आपका ये मान लीजिए यहाँ पे फोटोसिंथेसिस इतना आया है और यहाँ पे फोटोसिंथेसिस इतना हो रहा है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जब दोनों को साथ में मिला रहे हैं तो ये क्या हो जा रहा है, इतना हो जा रहा है, इसको कहते हैं इमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे रेड ड्रॉप फेनोमेनन क्या है, फॉलिंग अ रेड कलर इन द स्पेक्ट्रम, ड्रॉप इन क्वांटम यील्ड इन द रेड रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम, ड्रॉप इन क्वांटम यील्ड इन द फार रेड रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम, या फिर फॉलिंग अ फार रेड कलर इन द स्पेक्ट्रम। सो इसका राइट आंसर है ड्रॉप इन क्वांटम यील्ड इन द फार रीजन, मतलब जो भीपगियर में रेड के बाद फार रेड आता है ना, तो फार रेड रीजन में अगर आप लोग और ज्यादा उसको रेड लाइट देंगे तो फोटोसिंथेसिस पूरा ड्रॉप हो जाएगा, इसी को रेड ड्रॉप फेनोमेनन कहते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिफाइंस द यील्ड ऑफ ऑक्सीजन बाय द नंबर ऑफ फोटोन ऑब्जर्व, इनमें से कौन सा करेक्टली डिफाइन करता है यील्ड ऑफ ऑक्सीजन को, नंबर ऑफ फोटोन जब भी ऑब्जर्व होता है यील्ड ऑफ ऑक्सीजन, सो कौन सा टर्म यूज होता है, इमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट, क्वांटम रिक्वायरमेंट, फोटोकेमिकल रिएक्शन, क्वांटम यील्ड, उसको कहते हैं क्वांटम यील्ड। एक होता है क्वांटम यील्ड और एक होता है क्वांटम रिक्वायरमेंट। ठीक है, क्वांटम रिक्वायरमेंट, तो कितने रिक्वायरमेंट होते हैं फोटॉन्स टू प्रोड्यूस 1 मॉलिक्यूल ऑफ लाइट, और आपका ये क्वांटम यील्ड क्या है, कितने ऑक्सीजन यील्ड होते हैं बाय नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑब्जर्व। ठीक है, उसके बाद 1 केल्विन साइकिल 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज फॉर्म फ्रॉम, तो ये मैंने शुरुआती फेज में ही बता दिया था, केल्विन साइकिल यानी C3 साइकिल। तो C3 साइकिल में एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज बनाने के लिए क्या क्या हमें रॉ मटेरियल चाहिए। ठीक है, 6CO2 30 ATP 12 NADPH, 6CO2 12 ATP, 6CO2 18 ATP 12 NADPH, या फिर 6CO2 18 ATP 30 NADPH, बहुत ईजी है, वो है 6CO2 18 ATP 12 NADPH, याद रखिएगा। ठीक है, 18 ATP चाहिए C3 के लिए, ये जो कैल्विन साइकिल है ये C3 साइकिल के लिए बोला जा रहा है 18 ATP, अगर C4 होता तो 30 ATP बन जाता है, याद रखिएगा। 12 एक्स्ट्रा लेता है C3 को अवॉइड करने के लिए, यानी C2 रेस्पिरेशन को, फोटो रेस्पिरेशन को अवॉइड करने के लिए कुछ प्लांट जो हैं वो एक्स्ट्रा 12 ATP यूज़ करते हैं, तो टोटल क्या बन जाएगा 30 ATP टू परफॉर्म C4 साइकिल, याद रखिएगा ये चीज़। यानी कि C3 साइकिल तो सभी प्लांट में होता है, मैक्सिमम प्लांट में, लेकिन कुछ ऐसे प्लांट में देखा गया उनके पास C2 साइकिल होने की वजह से उनका नुकसान हो रहा है, तो ये साइकिल को अवॉइड करने के लिए उन्होंने प्लांट जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे कि मिलेट्स हो गए, सोरगम हो गए, तो उसके बाद सुगर केन हो गए, उसके बाद साइपरसी हो गए, ये कुछ प्लांट ऐसे हैं जिन्होंने क्या किया कि ये जो C2 साइकिल एक वेस्टफुल प्रोसेस है उसको अवॉइड करने के लिए C4 साइकिल करना चालू करते हैं। और C4 में ये क्या है, ये एक थोड़ा सा एनर्जी यूटिलाइजिंग, मतलब एनर्जी ज़्यादा यूज करता है जो कि 12 ATP एक्स्ट्रा लेता है ताकि अवॉइड कर सके C2 साइकिल को। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपका C3 में ये वाला होगा 18 ATP। उसके बाद DCMU इनहिबिट्स, DCMU का फुल फॉर्म क्या है, डाइक्लोरोफिनाइल डाइमिथाइल यूरिया,
और ये एक इनहिबिटर होता है, ठीक है। ये क्या करता है ना, किसके साथ जाके बाइंड कर जाता है, यूबीक्विनोन के साथ। और यूबीक्विनोन किसका हिस्सा है, जब फोटो सिस्टम टू से इलेक्ट्रॉन आ रहा होगा ये पूरा यूबीक्विनोन को ब्लॉक कर देगा, तो इलेक्ट्रॉन पास ऑन नहीं कर सकेगा, जिसके वजह से आपका रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो सकेगा। तो ये इनहिबिट्स किसको करता है, फोटो सिस्टम टू को, ठीक है। तो ये बाइंड हो जाता है यूबीक्विनोन टू के साथ, जिसके वजह से PH2 से इलेक्ट्रॉन और आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि यूबीक्विनोन के पास DCA में जाके लग चुका है, ठीक है। सो ये था कुछ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर फोटोसिंथेसिस। आई होप आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और खास करके उनके साथ भी शेयर कीजिएगा जो लोग अभी अपेयर होने जा रहे हैं। और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए, और कोई क्वेरी वगैरह क्वेश्चन वगैरह है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। मिलते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट में, और मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना जल्दी हो सके आप लोगों को मैं अभी पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लूँ। और अभी आप लोगों को सिर्फ इतना करना है, कॉन्सेप्ट पढ़िए और प्रैक्टिस कीजिए, चैनल पर जाइए, और भी ढेर सारे जो वीडियोस हैं उसको भी प्रैक्टिस कीजिए। मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मिशन CUET के प्लेलिस्ट में जितने वीडियोस हैं, और भी आपको CPET के भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे, उसको भी प्रैक्टिस कीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।